हेलो, क्लास मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, सुमैया, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, अदिला, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो, ओके ओके क्लास कल हम लोग जो है वो स्टेप टू फोकस के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि फाइव कैटेगरी में आता है। ग्राम पॉजिटिव है, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसमें तीन टाइप्स आती हैं। स्टेप टू फोकस ओरियस है, एपिडर्माइटिस है और सेप्रोफाइटिकस है। ओरियस जो है वो मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दी है, उसकी पैथोजेनेसिस बता दी थी कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि उसे सपोर्ट करते हैं डिजीज़ कॉज करने में, उसके विजिलेंस फैक्टर बताए थे। मुझे बताओ कि नुदरत लास्ट स्लाइड कौन सी पढ़ी थी कल हमने, लास्ट स्लाइड कौन सी थी? ओके, दिलों में अभी कर देती हूँ मैं, इसमें कुछ चेंजेस कर रही थी इस वजह से मैंने नहीं की, अभी कर देती हूँ आपको। स्लाइड्स विजिबल नहीं है क्यों? मेरी तरफ से तो शो हो रही है, आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? किसी को नहीं स्लाइड शो हो रही? अच्छा, शोर आ रहा है अब तो। मैं फैन होने में वो बस बंद कर देती हूँ, इसके अलावा और तो कोई पास नहीं है।
नजरत अभी शोर कम हुआ, अभी शोर कम हुआ, तो आवाज क्लियर हुई। क्लास में ये आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रही है? ओके क्लास, एपिडर्माइडस जो है उसकी सेकंड टाइप है बैक्टीरिया के, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस में पाई जाती है। ये मैंने बता दिया था, सेम है, ये भी ग्राम पॉजिटिव काई है, कोएगुलेज नेगेटिव है बट कैटालेज पॉजिटिव है। अच्छा, अब उसमें ये था कि ये कहाँ पर है, ह्यूमन स्किन पर प्रेजेंट होती है, बट अगर कट लगता है तो ये जाकर क्या है, आईवी लाइन के थ्रू ये हमारी बॉडी में इन्वेड कर जाती है, हमारे ब्लड में जा चली जाता है ये बैक्टीरिया। ओके, बट ये कि ये एक्सोटॉक्सिन किसी टाइप के टॉक्सिन नहीं प्रोड्यूस करता, और जिस वजह से ये फूड पॉइजनिंग और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टाइप की कोई इन्फेक्शन नहीं करता। तो अब ये क्या क्या करता है, डिजीजेज इसकी कौन कौन सी हैं, दे कॉज पायोजेनिक इन्फेक्शन सच एज प्रोस्थेटिक वॉल, एंडोकार्डाइटिस और प्रोस्थेटिक ज्वाइंट इन्फेक्शन है। इसके अलावा और क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो शंट तले होते हैं उसके इन्फेक्शन करता है, सेप्सिस करता है न्यू बोर्न्स में, और स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस के मोस्टली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं। ओके, सेप्रोपाइटिकस है जो कि थर्ड बैक्टीरिया है स्टेफलोकोकस में एग्जिस्ट करता। डेटाबेस एंड कोएगुलेस, डेटाबेस दोबारा देखो क्या पूछा है। कोएगुलेस में आपको बता देती हूँ, कोएगुलेस एक एंजाइम है जो कि स्टेफलोकोकस ओरियस प्रोड्यूस करता है। ओके, बट जो इसके बाकी दो टाइप्स हैं स्टेफलोकोकस की कौन कौन सी हैं, स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस और सेप्रोफाइटिकस, ये दोनों प्रोड्यूस नहीं करते, इंजाइम है कोएगुलेज इंजाइम और कैटालेज भी इंजाइम है, इंजाइम्स हैं अक्सर ये इंजाइम्स हैं। देखो जिसके एंड पर ए एस सी एस लिखा होता है ना, वो एंजाइम्स को रिप्रेजेंट करता है, और जिसके आगे टी आई एस टी होता है तो वो किसी ना किसी उस एरिया की इन्फ्लेमेशन को रिप्रेजेंट करता है कि उस एरिया की इन्फ्लेमेशन हो रही है। मैंने आप लोगों से कहा था कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में आप लोगों का वो कौन कौन से बैक्टीरिया जो इसमें अपना रोल प्ले करते हैं, कौन कौन से इन्फेक्शंस नेम है, ये आप लोगों ने किया। चलिए मुझे आप सारे वन बाय वन जो है चार चार एग्जांपल्स दो, हरी अब उसके बाद कुछ करेंगे। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस कौन कौन से हैं मुसरत, मुझे उसके तीन एग्जाम्पल्स बताओ। सना कुशुम आप भी बताओ, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस उनकी तीन तीन एग्जाम्पल, तो इन्फेक्शन के नेम बताओ। जल्दी करें, फिर उसके बाद मैं ये स्लाइड आपको पढ़ाऊंगी। कल जी मैंने आप लोग को काम दिया था कि आप लोगों ने सर्च करना है। अदिला जल्दी से आप इसका आंसर दो। नेगेटिव और पॉजिटिव किस बेस पे, अक्सर मैं आकर ये रिप्लाई दे रही हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो बैक्टीरिया ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है तो उससे वो पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टेफलोकोकस की जितनी भी टाइप्स हैं वो कैटालेज प्रोड्यूस करती हैं, तो कैटालेज पॉजिटिव है, ठीक है। बट वो उनमें से तीनों में से सिर्फ एक टाइप जो कि स्टेफलोकोकस ओरियस है वो कोएगुलेज प्रोड्यूस करती है, तो वो कोएगुलेज पॉजिटिव है, बाकी जो दो टाइप्स रह गए हैं वो कोएगुलेज नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव इनकी प्रोडक्शन पर कर रहे हैं। अक्सर आपने अपना पॉइंट क्लियर हुआ आपका? ओके, इसमें यह आपका क्लियर हो गया, पूरे हो गया। निमोनिया है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है। ये पूरी एब्रीवेशन इर्सा, इनकी पूरी एब्रीवेशन लिखो, वेंटिलेटर एक्वायर्ड नमूनिया है, उसके बाद आगे बताओ यूटीआई है, और ये क्या है, इनकी पूरी एब्रीवेशन लिख के बताओ।
ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन ही आप कह सकते, ब्लड इन्फेक्शन, ओके, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, हेपेटाइटिस। मरियम तारिक, आप हेपेटाइटिस को हॉस्पिटल रिक्वायर्ड में कंसीडर कर सकते हो। देखो, पेशेंट एडमिट हुआ है, उसे आज हेपेटाइटिस नहीं था, ठीक है? उसके 48 आवर्स हॉस्पिटल में एडमिशन के गुजरते हैं, और 48 आवर्स के बाद हम दोबारा हेपेटाइटिस के टेस्ट करवाते हैं, तो क्या उसके हेपेटाइटिस की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी? आप सब इसका आंसर दो। हेपेटाइटिस, देखो, आज पेशेंट एडमिट हुआ है, उसके हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट करवाए हैं, वो नेगेटिव थे। उसके 24 घंटे, 48 घंटे हॉस्पिटल में गुजरे, 48 घंटों के बाद हमने हेपेटाइटिस के टेस्ट रिपीट करवाए, तो क्या ये पॉजिटिव आ सकते हैं? मतलब 48 घंटों के अंदर तक किसी का हेपेटाइटिस का टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है? नुदरत, कौन सा इन्फेक्शन? आपने सिंपल इन्फेक्शन लिख दिया, ठीक है ना? तो हेपेटाइटिस हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में नहीं कर सकते। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन सिर्फ वही हैं जो 48 घंटे पहले डायग्नोज नहीं हुए हुए थे, हमने वो टेस्ट करवाए थे, उसमें ऐसा कुछ नहीं आया था, बट 48 घंटे के बाद हमने वो टेस्ट रिपीट करवाए, तो उसमें वो टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, उसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन सिर्फ कह सकते हैं। ओके, आप सब के ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताओ कि ये कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उनके कम से कम 4 नेम्स मुझे बताओ। चलिए अभी जल्दी से तीन तीन नेम्स बता दो, तीन बैक्टीरिया के नेम। ऐसे कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में इन्वॉल्व हैं, उन तीन बैक्टीरियाज के नेम बताओ। आपको 5 आने चाहिए मिनिमम, अभी टाइम शॉर्ट है, इसलिए जस्ट मैं 3 एग्जांपल्स पूछ रही हूँ। ओके जैनब, देखो मुसरत, आपने लिखा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निमोनिया इज अ डिजीज नेम, इट्स नॉट अ बैक्टीरियल नेम, तो आपने निमोनाई लिखना है, ए के बाद ई आता है, सिर्फ आपका ई ना डालने की वजह से पूरे का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। अभी उमेरा, आपने भी स्पेलिंग देखो ठीक लिखे हैं, बट निमोनिया इज अ डिजीज नेम एंड निमोनाई इज अ बैक्टीरियल नेम, तो मैं अभी बैक्टीरिया के नेम पूछ रही हूँ, इसलिए आप लोग निमोनाई लिखो, निमोनिया मत लिखो स्पेलिंग। उमेरा, आप भी ये देखो ठीक है, और बाकी सब देखे मैं क्या बात कर रही हूँ। अगर आपने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई एग्जाम्पल लिख रहे हो तो निमोनाई लिखो, निमोनिया मत लिखो। PNEUMONIAE आप किस तरह लिख सकते हो, मैं आपको लिख के सेंड कर रही हूँ। PTOCOCS आप लोगों ने ये सारे साल साथ गूगल से सर्च करके तो नहीं मुझे बता रहे हो? देखो, इस तरह सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, आप लोगों के माइंड में जो जो है आप लोग वो लिखो, नेट से देखने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लास गुड हो गया, ठीक है? आप लोग बस अगर फॉर एग्जांपल नेट से भी देखा है तो, बट आप लोग इसे माइंड में आज से रख लो कि ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हैं और ये वाले वो बैक्टीरिया हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। ओके क्लास, इस स्लाइड में जो है वो बेसिकली तीनों सेप्रोफाइटिकस तो रह गया है। ओके, ये थर्ड कैटेगरी है सेप्रोफाइटिकस के, जो कि स्टेफलोकोकस में इंक्लूड है, विच इज़ अ सेप्रोफाइटिकस बैक्टीरिया।
सेम ये भी क्या है, कोकाई है, स्फेरिकल है, ग्राम पॉजिटिव है, कैटालेज इंजाइम्स की प्रोडक्शन करता है बट कोएगुलेज प्रोड्यूस नहीं करता। ओके सना कजूम गुड। देखो अब आप लोग फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं हो बट आप लोग को बहुत अभी पढ़ने की ज़रूरत है। आप लोगों ने अपने प्रैक्टिकल में भी देखा और पेपर्स में भी देखा, आप लोग को अभी ज़रूरत है छोटी छोटी बातें साथ साथ याद करो ताकि पेपर वाले दिन जस्ट उसको रिवाइज कर सको। इट्स नॉट गुड। ठीक है, जिन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया एटलीस्ट उन्हें जाहिर आता था तो उन्होंने मुझे बताया ना। कैटालेज पॉजिटिव, कोएगुलेज नेगेटिव की आप लोगों को समझ आ गई है कि जो जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं उन्हें पॉजिटिव कह रहे हैं, जो नहीं प्रोड्यूस करते उन्हें नेगेटिव कह रहे हैं। स्टेफलोकोकस सेप्रोफाइटिकस इज फाउंड प्राइमली ऑन द म्यूकोसा ऑफ जेनिटल ट्रैक इन यंग वुमेन एंड फ्रॉम दैट साइड कैन एसेंड इनटू यूरिनरी ब्लैडर टू कॉज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन स्पेशली सिस्टाइटिस। देखो अब ये सिस्टाइटिस कॉज कर रहा है, ब्लैडर का इन्फेक्शन कर रहा है, यूटीआई कॉज करता है। ठीक है, एसेंड मीन कि जो ऊपर की तरफ मूव करेगा, बैक्टीरिया ऊपर जाके ब्लैडर में मूव कर। फॉर एग्जांपल ये यूरिथ्रा पर प्रेजेंट था बैक्टीरिया, तो ये ऊपर ही जो है मूव करेगा और कहाँ पर चला जाएगा, ब्लैडर के अंदर चला जाएगा। ब्लैडर स्टीराइल स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर ये वहाँ पर इसकी असेस हो जाती है तो वहाँ ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन है, जिसे कहते हैं सिस्टाइटिस, तो ये वो कॉज करेगा। स्टेफलोकोकस सेप्रोफाइटिकस इन्फेक्शन आर ऑलमोस्ट कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं। देखो पहले आपने सारे वो जो दो टाइप्स थे वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉज करते थे बट ये कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद ये है कि इनका कंपैरिजन बताया गया। सबसे पहले मेन बात जो है वो कैटालेज की स्लाइड के ऊपर स्पेस नहीं बच रही थी, जिसकी वजह से मैंने कैटालेज इंजाइम की प्रोडक्शन मिस कर दी है। तो कैटालेज इंजाइम्स की प्रोडक्शन इन तीनों कैटेगरीज में पॉजिटिव आएगी। ये तीनों कैटेगरीज जो है वो कैटालेज इंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, सेकेंड जो इनमें डिफरेंस है, कोएगुलेज एक सेकेंड एंजाइम है जो कि सिर्फ स्टेफलोकोकस ओरियस ऊपर वाली एक टाइप प्रोड्यूस करती है, बाकी जो स्टेफलोकोकस में दो टाइप्स हैं एपिडर्माइडस और सेप्रोफाइटिकस, वो कैगुलेस प्रोड्यूस नहीं करते। तो इस बेस पर भी, कोएगुलेस की बेस पर हम स्टेफलोकोकस ओरियस को बाकी दो जो रिमेनिंग टाइप्स हैं एपिडर्माइडस सेप्रोफाइटिकस इनसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो हम लिबॉर्टी में चेक करेंगे कौन सा बैक्टीरिया कोएगुलेस प्रोड्यूस कर रहा है, अगर तो उसमें कोएगुलेस की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, एंजाइम्स हम चेक करते हैं, बैक्टीरिया उसमें इंसर्ट करते हैं अपनी ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में, उसमें देखते हैं कि अगर एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये स्टेफलोकोकस ओरियस है, अगर नहीं प्रोड्यूस हुआ एंजाइम कोएगुलेस तो दूसरी दोनों टाइप में से कोई बैक्टीरिया होगा। फर्मेंट मैनीटोल, मैनीटोल क्या होता है और फर्मेंटेशन क्या है, आप लोगों को सबको फर्मेंटेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, फर्मेंटेशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो कल आप लोग का भी मेरा लेक्चर है, आप सब ने फर्मेंटेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ के आना है, इसकी डेफिनेशन पढ़ के आनी है। अपना ये टॉपिक जो है पॉइंट नोट कर लो जो कल मैंने सबसे पूछना है, व्हाट इज फर्मेंटेशन। मैनीटोल क्या है, मतलब ये एक तरह से क्या होता है, शुगर्स की ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, तो ये शुगर है जो ब्रेक डाउन कौन सा बैक्टीरिया करेगा, सिर्फ स्टेफलोकोकस ओरियस करता है, बाकी दो टाइप्स हैं वो उसकी ब्रेक डाउन नहीं करते। आगे ये है कि अगर हम उसे लैब के अंदर ग्रो करवाते हैं पेट्री डिश के ऊपर तो इसकी अपेयरेंस किस तरह की होगी। जो स्टेफलोकोकस ओरियस है उसकी जो है गोल्डन कलर की कॉलोनी सी प्रोड्यूस होती है। हमने बैक्टीरिया, आप लोगों ने कभी वो पेट्री डिश चेक की थी? अच्छा नहीं, मैंने वो नहीं फर्स्ट ईयर से कहा था, पेट्री डिश देखना है, पेट्री डिश होता क्या है, उसके ऊपर हम अपना सैंपल जब स्प्रेड करते हैं तो उसके ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है आफ्टर 24 आवर्स। तो वो ग्रोथ चेक करते हैं किस फॉर्म में होती है, अगर तो वो गोल्डन कलर की छोटी छोटी कॉलोनीज अपीयर हो रही हैं तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि वो स्टेफलोकोकस ओरियस है। बट वाइट कलर की कॉलोनीज हैं तो हमें मज़ीद और टेस्ट करने पड़ते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा बैक्टीरिया है। ओके, एपिडर्माइडस और सेप्रोफाइटिकस की वाइट कॉलोनीज होती हैं। अब हिमोलिसिस इनमें से कौन करता है, हिमोलिसिस क्या है, आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन है, तो
तो इन तीनों टाइप्स में से कौन सा बैक्टीरिया जो है आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करता है, वो है स्टैफिलोकोकस ओरियस। ये मेजर डिफरेंस है, बाकी दोनों टाइप्स जो हैं वो हिमोलिसिस नहीं करती। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं स्टैफिलोकोकस ओरियस के? प्रोटीन ये प्रेजेंट होता है इनकी सेल वॉल में। अच्छा, अब देखो आप लोगों ने पहले वाली स्टैफिलोकोकस ओरियस को तो बहुत सी बेसिस पे ये बाकी जो टाइप्स हैं उनसे डिफ्रेंशिएट कर लिया है कि वो गोल्डन कलर की कॉलोनीज हैं, कोएगुलेस भी प्रोड्यूस कर रहा है, फर्मेंटेशन भी कर रहा है और लाइसिस भी कर रहा है, हिमोलिसिस भी कर रहा है आरबीसीज के। बट ये जो बाकी टाइप हैं एपिडर्माइटिस है, सेप्रोपाइटिकस है। फॉर एग्जांपल हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो ये दोनों फॉर्म्स भी किस फॉर्म में दिखाई देंगी? क्लस्टर दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, पर्पल दिखाई देंगे। तो हम इन दोनों को किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्टैफिलोकोकस एपिडर्माइटिस को स्टैफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस से? इसका आंसर दें आप लोग मुझे, ये कमेंट्स मेरे सबको दिखाई दे रही है, आप लोग को एक दूसरे को। इसका आंसर दें आप सब, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट स्टैफिलोकोकस एपिडर्माइटिस फ्रॉम स्टैफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस? जरूरत आपको सिर्फ विजिबल नहीं हो रही, आप रिकनेक्ट करो क्योंकि सबको दिखाई दे रही है। देखो मैंने एक स्टूडेंट के लिए तो नहीं हाइड की होंगी, आप अपना मोबाइल ऑफ या रिस्टार्ट करो या नेटवर्क देखो अपना, दोबारा से उसे कनेक्ट करो दोबारा से, या फिर ऐसा करो एक बार यहाँ से लीव करके दोबारा से इसी आपको ये जो लिंक दिया गया इसे दोबारा ज्वाइन करो। क्लास मुझे इसका आंसर दो, हरी अप, एपिडर्माइटिस को सेप्रोफाइटिकस के? नहीं मरियम तारिक, आपका आंसर नहीं ठीक। देखो हमने लेबोरेटरी में डायग्नोज करना है, हम हॉस्पिटल में नहीं बैठे हुए, लेबोरेटरी में आपके पास सैंपल आया है जस्ट, तब हमें कैसे माइक्रोस्कोप के नीचे हमने देख लिया, दोनों ही हमें पर्पल कलर में दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही हमें क्लस्टर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, तो उससे हमें ये तो पता चल गया ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, बट कौन सी टाइप है ये हमें कैसे पता चलेगा इन तीनों में से? नहीं अदीला, अगर आप लोग को ये क्वेश्चन नहीं आता तो जो मेन क्वेश्चन है वो भी नहीं आता होगा कि हम हाउ वी कैन डिफरेंशिएट स्टैफिलोकोकस ओरियस फ्रॉम रिमेनिंग टू टाइप्स विच आर स्टैफिलोकोकस एपिडर्माइटिस एंड सेप्रोफाइटिकस, कि हम ओरियस को किस तरह बाकी दोनों टाइप से डिफरेंशिएट करते हैं। पहले चले मुझे ये वाला आंसर दो। ओके मरियम तारिक, दूसरी रीज़न नहीं यही मेन रीज़न है, इसी की बेस पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। मरियम तारिक का अभी वाला कमेंट आपको दिखाई दिया, अक्सा कवल नहीं, सेल मेम्ब्रेन की बेस पे नहीं, दोनों की सेल मेम्ब्रेन सेम होंगी। जी सोनिया सलामत जी, मैंने अभी क्वेश्चन मैंने ओरियस से नहीं पूछा, मैंने एपिडर्माइटिस और सेप्रोफाइटिकस से पूछा है। अगर आपने मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया है तो तब ये आपका रिप्लाई ठीक है। सोनिया मैं आपकी बात कर रही हूँ। मरियम तारिक का कमेंट देखो, जो मेरा क्वेश्चन है इस टाइम जो मैंने रिटर्न में आप लोग को सेंड किया हुआ है उसका आंसर सेंसिटिविटी की बेस पे है, नोवो बायोसिन। ठीक है, इससे कौन सा बैक्टीरिया सेंसिटिव है? एपिडर्माइटिस। सेंसिटिव का मतलब क्या है इधर ये भी मुझे बताओ, सेंसिटिव का मतलब क्या आ रहा है? जी मरियम तारिक, उसको हम कोएगुलेस की बेस पे करेंगे, बाकी दोनों को नोवोबायोसिन की बेस पे करेंगे। जी सर ठीक है, आपका आंसर ठीक हो गया, बट आप मुझे ये भी बता दो इधर सेंसिटिव और रेजिस्टेंस का क्या मतलब आप लोग ले रहे हो? जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी ना,
ऐसे मुझे ये भी बता दो सेंसिटिव और रेजिस्टेंस का यहाँ क्या आप लोग को आप लोग क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? ये डिफरेंस हो गया हीरा जुल्फकार, मुझे सेंसिटिव और रेजिस्टेंस का भी थोड़ा सा डिफरेंस बता दो। सेंसिटिव मीन क्या है और रेजिस्टेंस मीन? हरिया क्लास मुझे सिंपल वर्ड बता दो, मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बतानी है आप लोगों ने। इधर सेंसिटिव मीन क्या शो हो रहा है और क्या आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो रेजिस्टेंस मीन? क्लास आप लोगों का किसी का अभी तक कमेंट नहीं आया, मैंने पूरी डेफिनेशन नहीं लिखने की। नहीं हीरा जुल्फकार, देखो आपको जब तक यही नहीं ये इतनी इम्पोर्टेंट टर्म्स ही क्लियर नहीं है तो फिर आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो सेंसिटिव मीन और रेजिस्टेंस मीन? ये बिल्कुल नहीं है, सेम ही रहेगी। नहीं क्लास पहले मुझे सिंपल ये बताओ कि नोवोबायोसिन है क्या? ओके सोनिया सलामत, शुक्र है आपने आंसर दिया। ओके इरसा अब आंसर ठीक है, सोनिया सलामत ठीक है। सिंपल पहले ये है नोवोबायोसिन इज अ एंटीबायोटिक, तो कौन कौन सा बैक्टीरिया सेंसिटिव मीन के नोवोबायोसिन से वो किल होता है या नहीं किल होता? जो किल होता है उसे कहते हैं कि ये इससे सेंसिटिव है, इससे फौरन किल हो जाएगा। सेंसिटिव मीन किल होता है किससे? नोवोबायोसिन विच इज एन एंटीबायोटिक। नो जैनब आपका नहीं ठीक, आप दोबारा देखो। सेंसिटिव मीन ये नहीं है, रेजिस्टेंट मीन आप ये कह सकते हो। रिस्पॉन्स दिला किस तरह से वो रिस्पॉन्स बोलकर रिस्पॉन्स करेगा? नोवोबायोसिन उसे कहा हेलो तो आगे से उसे रिस्पॉन्स करेगा हाय। अदिला जैनब दोनों को मैं फिर से ये बता रही हूँ, नोवोबायोसिन इज अ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती है? अब देखो हमने ये चेक करना है कौन सा बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक से किल होता है, कौन सा नहीं किल होता। तो जो किल हो रहा है उसे कहते हैं कि वो इस ड्रग से सेंसिटिव है। किल होना मीन सेंसिटिव टू डैट ड्रग। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ ईजी वर्डिंग में, सेंसिटिव देखो नोवोबायोसिन इज अ एंटीबायोटिक, मेडिसन है नोवोबायोसिन। तो अब देखो हमने ये देखना है कि कौन सा बैक्टीरिया इस मेडिसन से किल हो रहा है और कौन सा नहीं किल हो रहा। अब जो उसे किल हो गया है उसे हमने कह दिया है ये बैक्टीरिया सेंसिटिव था इस मेडिसन से, विच इज अ स्टैफिलोकोकस एपिडर्माइडस। स्टैफिलोकोकस एपिडर्माइडस जो है वो इस एंटीबायोटिक से किल हो जाता है, बट सेप्रोफाइटिकस जो है वो नोवोबायोसिन से किल नहीं होता, उसको रेजिस्ट करता है, मतलब उससे कोई उसका इफेक्ट ही नहीं होता। रेजिस्टेंस मीन ये होती है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, जो उससे किल नहीं हो रहा होता। तो सेप्रोफाइटिकस को से कोई फर्क नहीं उसे पड़ेगा, हमने पेशेंट को नोवोबायोसिन दी भी है तो उसका जो ये बैक्टीरिया वो किल नहीं होगा। ओके अदिला, बट हम ये नहीं कह सकते कि वो रिस्पॉन्स देगा। आपके माइंड में जो चल रहा है उसे हमने एक वर्डिंग की शेप में अगले को बताना है, और वर्डिंग भी ऐसी जिससे एग्जैक्ट वही बात रिप्रेजेंट हो सके जो आपके माइंड में चल रहा है। आपके माइंड में ये चल रहा था कि वो इससे क्या है रेजिस्ट करता है या इससे सेंसिटिव है मेडिसन से, बट आपने कहा कि वो इसको रिस्पॉन्स करेगा। जी जो बैक्टीरिया नोवोबायोसिन से या जिस भी मेडिसन से किल हो रहा है वो उस मेडिसन से सेंसिटिव है,
बच्चे उस मेडिसिन से नहीं किल होता तो उसे रिजिस्ट कहते हैं कि ये इस मेडिसिन से रिजिस्टेंट है, उससे कोई इसे फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, जहाँ भी रिजिस्टेंट टू डैट एंटीबायोटिक लिखा और या सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक लिखा तो आपको इसका मतलब क्लियर होना चाहिए। ओके जैना बदिल्ला, आप सबको मसरत, आपको विजिबल नहीं हुई बट आपको मेरी ये बात समझ आ रही है जो मैं बता रही हूँ, आप एटलीस्ट बात तो सुनती रहें। नुदरत मुझे आंसर दो इसका, और मसरत आपका मसला हल हुआ? चलो ये पहला, ये सेकंड क्वेश्चन था। पहला जो मेन क्वेश्चन होता है वो मैं अभी लिख कर सेंड कर रही हूँ, मुझे आपने उसका आंसर देना है। हाउ वी कैन डिफरेंशिएट स्टेफ ऑरियस फ्रॉम रिमेनिंग टू टाइप्स ऑफ स्टेफलोकोकस। इसका आंसर हुआ है ठीक है, इसका आंसर जल्दी से मुझे दो। अभी जो मैंने सेंड किया है इसका आंसर मुझे आप सबका चाहिए। ओके मरियम, तारीख आपका एक्सेप्ट हो गया, बाकी जल्दी से बताएं। अब इसको एलेबोरेट कर दो किस तरह से। सुमैया आपने कहा हिमोलिसिस करता है, ये सेकंड स्टेप है, बट पहले जो हम उसे मेन डिफरेंशिएट करेंगे वो कोगुलेज की बेस पे होगा। सेकंड हम उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं हिमोलिसिस, सही है जी जैनब, ठीक है। गोल्डन कॉलोनीज हैं, ये भी सही है। नुदरत एक सही है, गोल्डन कॉलोनीज हैं, इसकी बेस पे भी डिफरेंशिएट करते हैं, बट मेजर जो डिफरेंस है वो है कोगुलेज की प्रोडक्शन। फ्रेगमेंट नहीं है, फर्मेंटेशन है। देखो ये तो बात की बातें ना, प्रोटीन प्रेजेंट है उनकी सरफेस पर या नहीं प्रेजेंट, बट अगर मैंने सिंपल ये क्वेश्चन लिखा हुआ है या पेपर में भी आता है तो आपने सिंपल कहना है ऑन द बेसिस ऑफ कोएगुलेज प्रोडक्शन, कोएगुलेज के प्रोडक्शन पे हम तीनों टाइप्स को आपस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओरियस जो है कोएगुलेज पॉजिटिव है, बाकी दो कोएगुलेज नेगेटिव है, और इन दोनों को आपस में किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, नोवो बायोसिन की बेस पे, एक सेंसिटिव है और एक रेजिस्टेंट है। तो इस तरह हम तीनों को एक, देखो हम सारी बातें नहीं चेक करते होते एक्सपेरिमेंट में, जब लैब में टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम मेन मेन बातें एंटीबायोटिक से सेंसिटिविटी चेक कर लेंगे, सिंपल एंजाइम के प्रोडक्शन चेक कर लेंगे जी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये जो आज मैंने दो क्वेश्चन पूछे हैं वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इससे पहले जो मैं हॉस्पिटल रिक्वायर्ड वाले पूछ चुकी हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है जी क्लास। ठीक है, उसके बाद ये है कि डिजीजेस नेम है ओरियस की, अगर मैं फॉर एग्जांपल जस्ट कहती हूँ कि इनलेस द डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय स्टेफलोकोकस ओरियस, तो आपने सिंपल उनके पांच नेम्स जो भी हैं जितनी आपके माइंड में आ रहे हैं, जैसे इधर एप्सिस मैंने लिखा है, फूड पॉइजनिंग लिखा है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम लिखा है, इसके अलावा जो है वो सॉफ्ट स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन हैं जो पहले मैंने डिटेल में पढ़ाए हैं, जिसमें स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम है और इम्पेटिगो है, ये आप लोगों ने पढ़े हैं स्किन के इन्फेक्शन, वो स्टेफलोकोकस ओरियस करता है। तो आप इस तरह पांच नेम्स जो हैं वो स्लाइड में ऐड कर लो, इसके ओरियस की वजह से कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं। एप्सिस क्या होता है, जिसमें पस वगैरह कोई भी हमारे स्किन के ऊपर पस टाइप मटेरियल बन रहा है तो उसे एप्सिस कहते हैं, और फूड पॉइजनिंग कर रहा है, डायरिया वगैरह कर रहा है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करता है, इसके अलावा स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन करता है जिसमें एम्पिटिगो है, स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम है जी, वो सारे इसमें ऐड करने हैं आपने। इधर स्लाइड्स में कंपैरिजन में देने का पर्पस ये था कि वो जो स्टार्ट में बातें लिखी हुई हैं, कोएगुलेज है, फर्मेंटेशन है, कॉलोनीज अपीयरेंस है, वो उन पर ज़्यादा मैंने फोकस किया था। डिसीजेज मैंने स्टार्ट में डिटेल में बताई हुई हैं,
एपिडर्माइटिस कौन कौन से इन्फेक्शन करता है, प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्स के और हिप्स के। इसके अलावा सेप्रोफाइटिकस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और साथ में ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन सिस्टाइटिस। इसके अलावा आप लोगों ने अगर वन बाय वन बैक्टीरिया पढ़ना है तो इनके साथ में और नेट से सर्च कर सकते हो। ओके क्लास ये भी ऑलमोस्ट वही है, ठीक है। डिसीजेस नेम लिखे हैं और क्या है मोड ऑफ प्रिवेंशन ये छोड़ दें। उसके बाद क्या है कि हमने इसको ट्रीट किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल एमआरएस से नहीं, स्टेफिलोकोकस ओरियस का इन्फेक्शन हुआ है तो हम उसके लिए कौन सी मेडिसिन रिकमेंड करेंगे, पेनिसिलिन करेंगे। और अगर पेनिसिलिन नहीं दे रहे तो उसमें हम कौन सी मेडिसिन रिकमेंड करेंगे, नेफिसिलिन है, ग्लेक्सिलिन है। अब देखो बैक्टीरिया एमआरएस से जो है उसका मतलब है मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ओरियस है। सेकेंड ड्रग जो नेफिसिलिन है, नेफिसिलिन है, वो एनआरएस से होता है। आप लोगों ने जैसे एमआरएस से मोस्टली नेम सुना है इसी तरह एनआरएस से भी होता है। तो एम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंटीबायोटिक को, मतलब वो मेथिसिलिन है या नेफिसिलिन है। आर क्या है, रेजिस्टेंट। इधर से पता चल रहा है एमआरएस से आप लोगों ने टर्म बहुत यूज सुनी होगी, यूज भी करते होगे, तो इसका मतलब है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट। जो मैंने आप लोगों का क्लियर कॉन्सेप्ट किया है कि रेजिस्टेंस क्या है और सेंसिटिविटी क्या है, तो ये क्या है, इन ड्रग को रेजिस्ट करते हैं, इनसे किल नहीं होते ये बैक्टीरिया। ना मेथिसिलिन से किल हो रहे हैं ना नेफिसिलिन से किल होंगे। जो इनसे नहीं किल होते तो हम उन्हें कह देते हैं कि ये मेथिसिलिन रेजिस्टेंट है या फिर नेफिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ओरियस है। जी ठीक है, डिफरेंस चलो पेनिसिलिन कर लो। इसके अलावा बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है, जिसमें नेफिसिलिन क्लॉक्सिलिन है। इसके अलावा वैनकोमाइसिन देते हैं, ठीक है। अब देखो एमआरएस उसे मेथिसिलिन भी नहीं दे सकते, नेफिसिलिन भी नहीं दे सकते, तो उस कंडीशन में हम उसे वैनकोमाइसिन देते हैं। सिंपल ड्रग्स के नेम्स याद कर लो, पेनिसिलिन पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बीटा लैक्टम ड्रग्स देते हैं और वैनकोमाइसिन देते हैं, ठीक है। ये मैंने स्लाइड पूरी भरी, आप सिंपल इन लिस्ट भी कर सकते हो। इन लिस्ट मीन कि जस्ट ड्रग्स के नेम लिख सकते हो, कौन कौन सी ड्रग्स हम इसके ट्रीटमेंट में देते हैं। तो जो मेथिसिलिन से रेजिस्ट करेंगे उन्हें हम वैनकोमाइसिन देते हैं। ओके क्लास क्लियर हुआ आज का टॉपिक। ये पूरी स्लाइड्स भरी हुई हैं, आप उसे शॉर्ट करके अपनी आसानी के लिए इधर, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सिंपल अगर मैं यहाँ पर सिर्फ नाम लिख देती तो आपको कन्फ्यूजन करना था, आपने कहना था मेथिसिलिन ही हम उन्हें दे देते हैं, आगे इतनी वैनकोमाइसिन हाइड्रग पे क्यों जा रहे हैं। तो जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो मेथिसिलिन को रेजिस्ट कर रहे हैं, उसे किल नहीं हो रहे, इसलिए डॉक्टर ने रिकमेंड किया है वैनकोमाइसिन पर। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतनी डिटेल लिखी होती है। जब आप पेपर लिख रहे होते हो तो टीचर को पता होता है आप मेन बस ड्रग्स के नेम लिख सकते हो। जैसे मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ था ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट, तो उसमें एंटीबायोटिक वो सिर्फ मेडिसिन के नेम्स जिसने लिखे थे उसे पूरे मार्क्स मिल गए थे। ओके क्लास में ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ जो मैं कहना चाह रही हूँ। जी क्लास चलें अपनी टेनिस मार्क वाले। Thank you.
उन लोग भी जो शुद्ध जैन दुनिया कर रहे होते हैं ना, वह भी डिस्टर्बेंस हो रही है। एंड सॉरी नहीं सबके बगैर जब मुझे टीचर ने किसी ने बताया था तो मैंने कहा सांस में पालता है तो इधर से नजर जाती है इधर में पहले तो मैं सांस में पाल कर रहे थे, जब इस तरह सिचुएशन हो रहा तो फिर लग रहा है कि जैसे हम बोल के ऐसे कि अच्छा मैं भी कर देती हूँ। सुमैया यूसुफ आपको कुछ पूछना तो नहीं है?
सुमैया शाहिद क्यों नहीं क्लास अटेंड कर रही आजकल? कल भी नहीं उसने अटेंड की थी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप सबको? अंसब आपको समझ आया जो मैंने आज पढ़ाया है? ओके ठीक है, अदरवाइज वो मस्ट क्लास अटेंड करती है इसलिए मैंने पूछा। अंसब आपने नहीं बताया, आपको सारी समझ आई है ये जो आज डिफरेंट टर्म्स अंदर यूज हुई हैं? फॉर एग्जांपल स्लाइड्स तो आपको मिल जाएंगे, आप पढ़ लोगे, बट जो इसमें समझने वाली टर्म्स थी वो आपको समझ आई हैं अभी तक जो मैंने समझाई हैं? आपको नहीं समझ आया तो आप अदीला से या किसी भी और अभी जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं उनमें से किसी से भी समझ लेना। आंसर पूछने से कुछ नहीं हो जाएगा, अगर नहीं पूछोगे तो तब आपका नुकसान होगा। सुन भी रहे हो या बस एक बार ज्वाइन कर लिया था उसके बाद गुम हो गए हो? चलें ठीक है क्लास, आज हम लोगों ने स्टेफलोकोकस पढ़ा है, कल मैं आप लोगों को स्टेप्टोकोकस पढ़ाऊंगी। दोनों ही ग्राम पॉजिटिव हैं, बट एक जो है वो क्लस्टर फॉर्म में थी जो आज हमने तीन टाइप्स पढ़ ली हैं। कल हमने चेन्स फॉर्म वाली पढ़नी है, उसमें काफ़ी टाइप्स हैं। चलें क्लास, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अगर सबने अटेंडेंस मार्क करवा ली है तो ओके। नुसरत मैंने आपकी अटेंडेंस लगा ली है, मार्क कर ली थी।